मैं सेशन दिया आप और आपको मैं एक एक्शन कैमरा पर्टिकुलर एक एक्शन कैमरा बता, लेकिन मेरे को एक मेजर इशू जो लगता है GoPro 12 के साथ, तो ये है मेरा DJI का Osmo Action 4। ये TikTok बन रहा है हर जगह, इधर TikTok। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, तुम लोग का फिर से स्वागत है मेरी एक और नई थी ब्रांड न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है बेस्ट एक्शन कैमरा फॉर व्लॉगिंग और मोटर व्लॉगिंग के लिए। अरे यार, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो गया, अरे मेरे फ्यूचर की तरह। वेट अ मिनट, आज मैं मेनली प्रीमियम रेंज एक्शन कैमरा के बारे में बात करने वाला हूँ जो अराउंड 30,000 to 40,000 का आने वाले हैं। सो इस प्राइस रेंज में मेनली 3-4 ब्रांड्स हैं जो आपको एक्शन कैमरा वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ब्रांड है GoPro, देन इंस्टा एक्स प्रो, देन आता है DJI। और आपको मैं एक एक्शन कैमरा पर्टिकुलर एक एक्शन कैमरा बता दूंगा जो आपके व्लॉगिंग और मोटर व्लॉगिंग के लिए बेस्ट होगा। तो गाइस, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना एक्शन कैमरा दिखाता हूँ। तो ये है मेरा DJI का Osmo Action 4। तो इस एक्शन कैमरा को मैंने परचेज किया था 6 महीने पहले। तो गाइस, हमारा फर्स्ट एक्शन कैमरा है GoPro का 12 जो आता है अराउंड 30,000 का। अगर आप GoPro 12 की लाइक जो स्पेशल बंडल आता है उसका प्राइस जो कितना पड़ेगा, पकड़ लो 45,000 to 44,000 के आसपास। और एक बंडल आता है क्रिएटर बंडल जिसका प्राइस अराउंड 55,000 है। तो गाइस, मैं GoPro 12 की बात क्यों कर रहा हूँ 13 को छोड़ के, क्योंकि ऑलरेडी एक नेक्स्ट जनरेशन निकल चुका है। तो जितना मेरे को लगता है GoPro 12 और GoPro 13 में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो आप GoPro में भी अप टू 5.3 के 60 FPS पे शूट कर सकते हो 27 MP कैमरा के साथ, और एक फोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी निकल के आती है जो मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह में देखा है। लेकिन मेरे को एक मेजर इशू जो लगता है GoPro 12 के साथ, उसमें ना लाइक बहुत ज्यादा हीटिंग इशू है, बैटरी का इशू है, और ज्यादा ओवरहीटिंग की वजह से कैमरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, ओवरहीटिंग की वजह से कैमरा शटडाउन हो जाता है। तो ये वाला इशू बहुत मेजर इशू है लाइक GoPro के साथ। तो अगर आप इसी सेगमेंट में अगर कैमरा से बात करो लाइक DJI का Osmo Action 4 हो गया, 5 Pro हो गया, Insta X Pro में हो जाए, लेकिन इन सब में भी हीटिंग इशू है लेकिन GoPro की तरह नहीं है, ठीक है। तो गाइस, हमारा सेकंड कैमरा इंस्टा एक्स प्रो जो आता है इंस्टा 360 की तरफ से। तो इस कैमरा का प्राइस की बात करो ना, उसका भी इसका ही प्राइस ऑलमोस्ट GoPro की तरह ही है अराउंड 44,000 to 42,000 rupees। और इसमें भी आप अप टू 4K से लेके 4K 120 FPS शूट कर सकते हो, लेकिन जो नया वेरिएंट निकला है लाइक जो अपग्रेड जनरेशन निकला है इंस्टा एक्स प्रो 2, उसमें आप अप टू 8K शूट कर सकते हो। लेकिन जितना मेरे को लगता है ना, व्लॉगिंग में इतना ज्यादा हाई रेजोल्यूशन कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल 4K या 2.7K में भी शूट कर सकते हो इजिली, और लाइक आपको अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलेगी। तो गाइस, हमारा तीसरा और आखिरी कैमरा आता है DJI की तरफ से, DJI Osmo Action 4। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपना कैमरा दिखाता हूँ। ये रहा मेरा DJI का Osmo Action 4। तो इस कैमरा का जो स्टैंडर्ड कॉम्बो होता है उसका प्राइस अराउंड है 32,000 के आसपास, और जो एडवेंचर कॉम्बो होता है जो मैंने खरीदा था उसका प्राइस है 43,000। एक्शन 5 प्रो ऑलरेडी निकल चुका है इसलिए एक्शन 4 का प्राइस पहले से घट गया है। तो इस एक्शन 4 को मैं अराउंड 6 months से रेगुलर यूज कर रहा हूँ, लाइक आप संडे राइड्स वगैरह ले लो, मेरे डेली लाइफ व्लॉगिंग एवरीथिंग मैं इसी कैमरा से शूट करता हूँ। तो पिछले 6 महीने में ये कैमरा मेरा सिर्फ ओवरहीटिंग की वजह से एक ही बार बंद हुआ है। तो उस दिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था इसलिए ओवरहीटिंग की वजह से कैमरा ऑफ हो गया था। लेकिन कैमरा कब ऑफ हुआ था, ऑलमोस्ट सारा व्लॉग्स वगैरह बनाने के बाद एकदम लास्ट में जाके कैमरा ऑफ हुआ था। तो गाइस, आप एक बात नोट कर लो, पिछले 6 महीनों में हीटिंग इशू की वजह से मेरा Osmo Action 4 कैमरा सिर्फ एक ही बार बंद हुआ है। अगर आप GoPro की बात करो ना, तो स्टार्टिंग से GoPro में हीटिंग इशू वगैरह रहता है, मैंने बहुत वीडियोस वगैरह देखी, सारे व्लॉगर्स वगैरह यही बोलते हैं। तो गाइस, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, आपको कौन सा एक्शन कैमरा परचेस करना चाहिए अपने व्लॉगिंग के लिए, अपने मोटर व्लॉगिंग के लिए। तो गाइस, अभी मैं जिस एक्शन कैमरा के बारे में बोलने वाला हूँ वो ना इंस्टा एक्स प्रो है, ना GoPro 12 है, ना Osmo Action 4 है, वो कैमरा है DJI का Osmo Action 3। Osmo Action 3 लेने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि Osmo Action 3 में जो जो स्पेसिफिकेशन वगैरह है ना लाइक वीडियो क्वालिटी ले लो, फोटो क्वालिटी, Osmo Action 4 में अराउंड सेम ही है। तो Osmo Action 3 का प्राइस है 23,000 जो स्टैंडर्ड कॉम्बो होता है, और एडवेंचर कॉम्बो का प्राइस है 30,000। और जो जो एक्सेसरीज वगैरह आपको Osmo Action 5 में मिलती है, Osmo Action 4 में मिलती है, सेम एक्सेसरीज आपको Osmo Action 3 के एडवेंचर कॉम्बो में मिलेगी। 30,000 में आपको अच्छा एक्शन कैमरा भी मिल जाएगा, उसके बाद बैटरी बैकअप भी अच्छा है। हाँ, मेन जो बात है आपको दिखाता हूँ। हेलो, अगर आप DJI का कोई भी प्रोडक्ट खरीदो लाइक वो Osmo Action 3 हो, Osmo Action 5 हो, Osmo Action 4 हो, तो उन सारे एडवेंचर कॉम्बो में आपको ये मल्टी फंक्शनल चार्जिंग केस मिलता है, तो जो मुझे एडवेंचर कॉम्बो के साथ मिला था। तो ये मल्टी फंक्शनल चार्जिंग केस बहुत ज्यादा काम का है, बहुत ज्यादा काम का है, और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अराउंड 2 to 3 घंटे में तीनों बैटरी एक साथ फुल हो जाती है। लाइक एडवेंचर कॉम्बो में आपको ना बहुत सारी एक्सेसरीज वगैरह मिलेगी, लाइक ये मल्टी फंक्शनल केस हो गया, ये एक्सटेंशन रॉड ले लो, और बहुत सारे माउंट वगैरह मिलेंगे आपको, चार्जिंग केबल मिलेगा टाइप सी चार्जिंग केबल मिलेगा। तो गाइस, अब आते हैं वीडियो कॉन्फ्यूजन में, आपको मेनली कौन सा एक्शन कैमरा परचेस करना चाहिए।
तो मैं लाइक ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं अपने लाइक रिव्यू से बता रहा हूँ। मैं ऑस्मो एक्शन 4 को यूज करने के बाद ही आपको ये रिव्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो आप ऑस्मो एक्शन 4 मत खरीदो, क्योंकि अभी तक मार्केट में ऑस्मो एक्शन 3 अवेलेबल है जो आपके बजट के अंदर में आ जाएगा। और तो मेन कंक्लूजन तो वीडियो का ही है गाइस, अभी जाएंगे थोड़ा बाहर और आपको मैं ऑस्मो एक्शन 4 की क्वालिटी वगैरह चेक करवाता हूँ, ठीक है। सो गाइस अभी हम बाहर आ चुके हैं। सो आप जो अभी वीडियो देख रहे हो ये बन रहे हैं मेरे ऑस्मो एक्शन 4 के साथ। अभी हम जाएंगे थोड़ा एयरपोर्ट की तरफ और आपको मैं ऑस्मो एक्शन 4 की वीडियो क्वालिटी वाला टेस्ट करवाऊंगा। 4K में भी मैं वीडियो शूट करूंगा, 2.7K में भी, और क्या बोलते हैं 1080p भी मैं शूट कर दिखाऊंगा आपको। सो इधर से लेंगे अभी हम लेफ्ट टर्न, चलो 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 चलो। सो राइट नाउ मैं अपने ऑस्मो एक्शन 4 में जो माइक यूज़ कर रहा हूँ वो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग AKG IC100 एयरफोन, टाइप सी एयरफोन है जो डायरेक्ट मेरे ऑस्मो एक्शन 4 कैमरा के साथ लग जाता है। सो वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हो, और राइट नाउ मैं 2.7K 60fps में शूट कर रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट में आया हूँ, बिहाइंड द रीज़न इधर ना लाइक सीन वगैरह बहुत अच्छा होता है, लाइक पेड़ वगैरह है, अच्छा रास्ता है, सब अच्छे से समझ पाओगे कहाँ पर वीडियो क्वालिटी अच्छी है। लेकिन मेरे को ना पीछे एक बच्चा बुला रहा था, बुरा है, ओ राइडर सुना नहीं यार। ये देखो इधर टिकटॉक बन रहा है हर जगह, इधर आप सीन देख रहे हो गाइस कितना बढ़िया और अच्छा सीन है इधर, इसलिए मैं मैक्सिमम वीडियोस वगैरह यहीं पर शूट करने के लिए आता हूँ। सो ये वाली वीडियो कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं थी, और मैंने कोई किसी भी एक्शन कैमरा के बारे में डिटेल में नहीं बताया, वो GoPro 12 हो, क्या इंस्टा एस प्रो हो, या लाइक अपना ऑस्मो एक्शन 4 हो, क्योंकि मैंने आपको एक भी एक्शन कैमरा खरीदने का सजेशन नहीं दिया। मैंने आपको खरीदने का सजेशन दिया ऑस्मो एक्शन 3 जो आपके बजट में भी होगा और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो गाइज राइट नाउ मैं आपको 4K 120fps में वीडियो दिखाता हूँ। सो गाइज अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ये वीडियो बनाए 4K 120fps में। तो 4K 120fps में ना लाइक वीडियो वगैरह बहुत ही बेहतर मिलती है, लाइक स्काई वगैरह एकदम क्रिस्पी वाला फील आएगा, लाइक क्रिस्टल क्लियर, आप सब कुछ समझ पाओगे। तो गाइज राइट नाउ अभी जो आप फुटेज देख रहे हो ये फुटेज बनी है 2.7K 120fps में। आप लाइक अपनी आंखों से ज़्यादा कुछ वीडियो क्वालिटी का डिफरेंस नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो गाइस ये वाली वीडियो बनी है 1080p में, और सेटिंग है हमारी 120fps। सो इधर आप देख सकते हो ज़्यादा लाइक इधर में भी आपको ना स्काई वगैरह एकदम क्रिस्पी मिलेगा। गाइस मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे एक्शन कैमरा के बारे में बता दिया, मैंने सजेशन दिया आप एक्शन 3 परचेज कर सकते हो जो आपके बजट में भी आएगा और लाइक बजट फ्रेंडली होगा। और अगर आप एडवेंचर कॉम्बो परचेज कर रहे हो तो एडवेंचर कॉम्बो में बहुत सारी एक्सेसरीज वगैरह मिलती है जो आपको ऑस्मो एक्शन 4 में मिलती है। ये रहा मेरा ऑस्मो एक्शन 4, आप मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप देख सकते हो। सो अगर आपको फ्यूचर में मोटो व्लॉगिंग सेटअप की वीडियो चाहिए, ऑस्मो एक्शन 4 के रिव्यू चाहिए, सो कौन से सेटिंग्स वगैरह में शूट करने से आपके लाइक व्लॉग में अच्छी वीडियो क्वालिटी आएगी, ऑडियो क्वालिटी आएगी, मैं डिटेल में आपको बता दूंगा इन फ्यूचर में। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, अपकमिंग वीडियो आप कौन से टॉपिक में चाहिए। तो गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, और गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो टिल देन मिलते हैं अपने कौन है फुल पावर वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।